हेलो एवरीवन, ऋतुराज 97 चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। और आज की व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि टाटा का जो SC1613 ट्रक है ये आप कैसे चला सकते हो, तो इसको कैसे ड्राइव करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा ट्यूटोरियल ये गाड़ी पर। तो फिलहाल मैं हूँ ये गाड़ी में SC1613, और ये है गाड़ी की चाबी, आप देख सकते हैं ऐसी होती है गाड़ी की चाबी जो आपको इधर लगानी है, ठीक है। और गाड़ी का कुछ मैं बेसिक आपको बता देता हूँ। ये होता है गाड़ी का हैंड ब्रेक, जैसा गाड़ियों में हमारा लीवर होता है खींचने का वैसा गाड़ियों में ऐसा रहता है। अभी ये जब ऐसे होता है पीछे, तो हैंड ब्रेक अप्लाई किया है गाड़ी का, जब हैंड ब्रेक हम डाउन करते हैं तो आपको क्या करना है, आपको ये ऐसे लीवर ऐसा प्रेस करके ऐसे आपको आगे करना है। अभी हैंड ब्रेक बंद किया है, अभी हैंड ब्रेक लगाना है गाड़ी का, हैंड ब्रेक रखनी है, तो मुझे ऐसे करना है। तो अभी हैंड ब्रेक लगा है गाड़ी का, ये आप देखिए, ये है गाड़ी का एक्सलेटर, ये है गाड़ी का ब्रेक, और ये है गाड़ी का क्लच। मैनुअल ट्रांसमिशन में दोस्तों, तो ऑब्वियसली ये तीनों आपको मिलेगा इधर। बात करें गियर की, तो आपको यहाँ पर 6 फ्रंट गियर्स और एक रिवर्स गियर मिलता है। तो ये रहा 1 2 3 4 5 6, और ये रहा रिवर्स। और अगर आपको गियर्स डाल के दिखाने, तो मैं दिखा देता हूँ, देखिए। तो अभी ये गाड़ी न्यूट्रल में आप देख सकते हैं, तो फर्स्ट तो इधर है, तो हम ऐसा फर्स्ट डालेंगे, तो अभी फर्स्ट में गई। अभी सेकंड इधर है, तो ऐसा हम खींच के ऐसा करेंगे, तो अभी गाड़ी सेकंड में आई। अभी हमें यहाँ से यहाँ थर्ड लेनी है, तो पहले न्यूट्रल लेंगे गाड़ी, और ये देखिए आप थर्ड में गई। अभी मुझे फोर्थ करना है, तो मैं ऐसे करके खींचूंगा तो फोर्थ हो गया। अभी मुझे फिफ्थ में करनी है, तो न्यूट्रल में लाके फिफ्थ हो गई। और मुझे अभी सिक्स करनी है, तो यहाँ से हम ऐसे सिक्स में ला सकते हैं। और अगर रिवर्स में करनी है दोस्तों, तो यहाँ से आप ले जाके ऐसा करके तो रिवर्स हो जाएगा। तो ये है गियर रेशियो, और यहाँ पर आप ऐसे खोल सकते हो दोस्तों, जैसे जीप में महिंद्रा थार में अगर होता है लीवर, वैसे आप खींच के ये पार्ट खोल सकते हो। वो रहा गाड़ी में जग पड़ा हुआ है, और ये दो लीवर से आपको गाड़ी की लिफ्ट खोलने के लिए। और ये है गाड़ी का स्टेयरिंग, आप देख सकते हैं बड़ा वाला है स्टेयरिंग, और यहाँ पर आपको सब कंट्रोल्स वगैरह मिलते हैं। आप मेरा जो SC1613 के ऊपर व्लॉग बनाया है दोस्तों, जिसमें मैंने पूरा रिव्यू किया है, वो भी व्लॉग्स देख सकते हैं, और जानकारी जो दी है मैंने SC613 के, वो भी आप देख सकते हैं। वो दोनों वीडियोस की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो इसमें हम बेसिक बात करेंगे आपको गाड़ी कैसे चालू करनी है और कैसे चलानी है। तो पहले मैं क्लच प्रेस करूंगा गाड़ी का, ब्रेक प्रेस करूंगा, और ब्रेक प्रेस करने के बाद जो हैंड ब्रेक मैंने अप्लाई किया है वो ऐसा नीचे करूंगा। उसके बाद मैं गाड़ी की चाबी यहाँ पर लगाऊंगा, आवाज़ आता है देखिए यहाँ पर, और ये लाइट आ गई गाड़ी की, और इसके बाद हमें गाड़ी को चालू करना है। तो गाड़ी चालू हो गई अभी, तो गाड़ी फर्स्ट में डालेंगे। फर्स्ट में डालने के बाद सेम दोस्तों, जैसे हमारी बेसिक गाड़ियाँ होती है वैसे ही ये क्लच और ब्रेक प्रेस किया हुआ है। तो जब मैं हाफ क्लच करूंगा, और हाफ क्लच के बाद जब ब्रेक का पैर निकाल के एक्सलेटर बनूंगा, तो गाड़ी अपने आप चालू होगी। तो देखिए आप किस प्रकार होती है। तो अभी हम क्या करेंगे, क्लच में से आधा पैर ऊपर करेंगे, और उसके बाद ब्रेक का पैर निकाल कर एक्सलेटर बनूंगे। तो अभी आप देख सकते हैं गाड़ी आगे जा रही है, देखिए किस प्रकार जाती है गाड़ी आगे, देखिए। और धीरे से आपको, जैसे आप धीरे धीरे एक्सलेटर लगाओगे, तो गाड़ी इस प्रकार आगे जाती है, देखिए। और अगर गाड़ी रिवर्स में लानी है, तो क्लच प्रेस करके आपको यहाँ पर ये लाना है, और ये रहा रिवर्स। तो रिवर्स गियर मारने के बाद सेम दोस्तों, जैसे हम क्लच थोड़ा सा छोड़ेंगे और ब्रेक का पैर निकालेंगे, तो गाड़ी ऐसी रिवर्स में आ जाएगी, आप देखिए। और बाद में आपको एक्सलेशन देना है, तो अभी आप देख सकते हैं गाड़ी मेरी रिवर्स जा रही है, देखिए इस प्रकार। तो ऐसे आपको रिवर्स में लानी है, धीरे से एक्सलेशन देना है, जितना आपको ज़रूरत है उतना ही देना है, ज़्यादा नहीं देना है। और बाद में जब आप सीधे रोड पर गाड़ी चलाओगे, जब आपकी स्पीड आप पकड़ोगे गाड़ी की, तो बाद में आप गाड़ी में आपके गियर्स जो है, मतलब फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, वैसे आप कर सकते हैं। तो ये ब्लॉग में देखा हमने दोस्तों, कैसे आप गाड़ी को चालू कर सकते हैं SC1613। तो आप मेरे बाकी के ब्लॉग्स भी देख सकते हैं, ऑटोमोटिव रिलेटेड कंटेंट्स बनाता हूँ मैं, जिसमें मैं कार रिव्यूज वगैरह दिखाता हूँ, तो आप मेरे चैनल पर वो भी देख सकते हैं। और वीडियो पसंद है तो आप लाइक भी मार सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।